हरियाणा के करनाल में महेश वर्मा ने जो किया वो देश के लाखों उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक उदाहरण है जो नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। महेश वर्मा ने नौकरी की बजाय ऐसे बिजनेस मॉडल पर ध्यान दिया जिसे न केवल युवक नौकरी पा सके बल्कि दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सके। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर महेश वर्मा जो कि कुछ समय पहले एक कंपनी में 5000 की नौकरी करते थे, महेश ने अपने मोबाइल को औजार बनाकर टेम्पकेच नामक एप्लीकेशन तैयार की जो आम आदमी की जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बना रही है। टेम्पकेच की मदद से कैसे कमाए ज्यादा पैसे, टेम्पकेच के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक ऐसी एंड्रॉइड ऐप है जो आपको घर बैठे लाखों रुपए कमाने का मौका देती है। सुनने में भले ही यह हास्यास्पद और अविश्वसनीय लगे पर यह 100% सच है। टेम्पकेच कोई फर्जी या फ्रॉड कंपनी नहीं है जो आपकी मेहनत की कमाई लेकर पुर हो जाएगी। यह भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाणित और 100% विश्वसनीय कंपनी है जो आपकी मेहनत की पाई पाई तक चुकाती है। इसी कारण लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। टेम्पकेच की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज कुछ ही महीनों में लाखों लोग इस कंपनी से जुड़ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों का भरोसा, क्योंकि टेम्पकेच लोगों के विश्वास पर हमेशा खरी उतरती है। सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि टेम्पकेच है क्या और टेम्पकेच में आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं, उद्देश्य उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए टेम्पकेच एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिससे कोई भी पर्सन बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकता है। आज के समय में टेम्पकेच के साथ 125 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 100% फ्री एप्लीकेशन है, किसी को कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप गूगल प्ले से टेम्पकेच की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आती हैं। उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो ऐप हमें इंस्टॉल करने के लिए देते हैं, वो एडवर्टाइजर टेम्पकेच को पैसा देता है और टेम्पकेच वही पैसा लोगों में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से लोग इससे अर्निंग भी कमा रहे हैं और 125 करोड़ लोग मात्र 1.5 साल में जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस सिस्टम में कुछ ताकत होगी तभी मतलब लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। एक नया कंसेप्ट है मनी जनरेशन कंसेप्ट, जिसमें किसी से पैसा लिया नहीं जाता, सिर्फ पैसा दिया जाता है। तो मैं ये लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि लाइक्स, फेसबुक लाइक्स के नाम पे या एडवर्टाइजमेंट के नाम पे अगर आपसे कोई भी पैसा लेते हैं तो आप उनसे सावधान रहिए, क्योंकि अगर वो लोग पैसा एडवर्टाइजमेंट का ही देने वाले होते हैं तो वो आपसे पैसा नहीं लेते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा बिना पैसा लिए पैसा दिया जाता है। और टेम्पकेच उनसे अलग इसलिए है क्योंकि टेम्पकेच किसी से पैसा तो लेती नहीं है, सिर्फ पैसा देती है। अब पैसा आता कहाँ से है? वो ऐप जो लोग इंस्टॉल करते हैं, वो वीडियो जो टेम्पकेच के ऐप से देखे जाते हैं, वो गेम्स जो टेम्पकेच के ऐप में खेले जाते हैं, वो एडवर्टाइजर टेम्पकेच को पैसा देते हैं और टेम्पकेच लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डिजिटल इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। आज तक जो कोई भी नहीं कर पाया वर्ल्ड में वो हमने किया। वो क्या कि मुफ्त में लोगों को रोजगार देना, मतलब डिजिटल इंडिया पे तो हम काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मुफ्त में लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, लोगों को फोन चलाना सिखा रहे हैं और लोग उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। जो मतलब पहले लोग खाली टाइम में फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम खराब करते थे, अब उसी के थ्रू लोग ऐप को इंस्टॉल करके हमारी ऐप को प्रमोट करके उससे भी पैसा कमा रहे हैं। तो अब इंटरनेट का फायदा लोग उठा रहे हैं और अपना खर्चा पानी, और इवन लोग 50-60 हज़ार पे महीना भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर आप अपने एंड्रॉइड फोन में खोलेंगे और गूगल प्ले स्टोर में आपको टेम्पकेच सर्च करना होगा, वहां पे एप्लीकेशन आएगी टेम्पकेच के नाम से, उसके बाद उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद उसमें आपको एक नया अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। अकाउंट में आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें डाल देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आती हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ही हमें पैसा मिलता है एडवर्टाइजर की तरफ से। मान लीजिए अमेजोन की ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो हमें अमेजोन के इंस्टॉल करने का पैसा देती है, मान लीजिए 10 रुपये, 12 रुपये या 8 रुपये कुछ भी देती है। तो जितना वो पैसा वहां से हमें मिलता है वही पैसा फिर हम लोगों में वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा फ्लो रहता है। प्लस जितने अगर आपने एक महीने में 300-400 रुपए की अर्निंग कर ली है तो उसको आप अपने बैंक में भी विड्रॉ करवा सकते हैं।
चैमकैश का यूजर जैसे ही 300 350 रुपए जैसे ही कोई पर्सन अर्न कर लेता है तो उसको विड्रॉल के ऑप्शन में जाके वो वहां से बैंक का एक विड्रॉल ऑप्शन होता है, वो अपने पहले केवाईसी अपडेट करेगा। केवाईसी जब उसके अप्रूव हो जाएंगे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से तो उसके बाद उसकी वो पेमेंट को विड्रॉ करेगा और मैनुअली फिर उसका विड्रॉल दिया जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, या वो मोबाइल रिचार्ज से भी विड्रॉ कर सकते हैं। जी सर, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये चैमकैश का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है करनाल में। कोई भी पर्सन आ सकता है हमारे चैमकैश के ऑफिस में, सेक्टर 14 में हमारा ऑफिस है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग बोलते हैं फ्रॉड है चैमकैश कंपनी, वो पहले तो चैमकैश कंपनी का इतिहास देखे और गूगल में इवन ये सर्च करके देखे कि चैमकैश कंपनी लोगों को पैसा सही में देती भी है कि नहीं देती। जब आप गूगल में सर्च करेंगे चैमकैश पेमेंट प्रूफ तो आपको मतलब हजारों लाखों पेमेंट प्रूफ दिख जाएंगे कि लोग पता नहीं कितना अर्न कर रहे हैं लोग। कोई कोई 10,000 रुपये महीना कर रहा है, कोई 2,000 रुपये, कोई 5,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये। तो हजारों लोगों को मुफ्त में रोजगार देने का काम किया है। मेरा यह मानना है कि जो भी पर्सन चैमकैश को इस तरह से फ्रॉड बोलता है वो सबसे पहले तो ऑफिस आए, चैमकैश के बारे में डीप स्टडी करे और फिर उसके बाद कोई भी चीज उस पर करे। जो पर्सन ऐसा बोलता है उसको मतलब हमें मतलब बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि देखो हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं। हम जब किसी से पैसा ले ही नहीं रहे तो फ्रॉड का मतलब ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम ठगी कर रहे हैं, मतलब जब पैसा लिया ही नहीं तो किस तरह से वो ठगी हो सकती है। बिना पैसा लगे हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम ईमानदारी से काम करें और लोगों को रोजगार दें। और डिजिटल इंडिया का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं उस डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को जब तक मैं पूरा ना कर लूंगा ना, तब तक मैं आराम से चुपचाप नहीं बैठूंगा। क्या है चैमकैश और इससे कमाई करने के लिए क्या करें? पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट सेवाओं से जुड़ने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत मोदी ने देश के हर एक नागरिक को इंटरनेट से जोड़ने का सपना देखा था, जो धीरे धीरे हकीकत में बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस योजना से कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, जो यूजर्स को न केवल इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवा रही है बल्कि घर बैठे रोजगार भी दे रही है। इन्हीं में से एक है चैमकैश कंपनी, जो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और लोगों को घर बैठे ऑनलाइन रोजगार मुहैया करवा रही है। चैमकैश मेक इन इंडिया के तहत बनी भारतीय कंपनी है, जिसने 1 जनवरी 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं शुरू की। यह लोगों को घर बैठे 10,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक कमाने का अवसर दे रही है। मेरा नाम रवि है और मैं चैमकैश के अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑफिस में वर्क भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं पिछले 1.5 साल से चैमकैश को पार्ट टाइम भी यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं अभी तक 1.5 लाख रुपए तक अर्न कर चुका हूँ। सर, यहाँ से मुझे लगभग 15,000 रुपए मिल रहा है सैलरी, और मैं वैसे भी 1.5 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ चैमकैश से। पर मंथ मुझे 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है चैमकैश की एप्लीकेशन यूज करके, और मैं अभी प्लेटिनम अचीवर अचीव कर चुका हूँ। खरीदारी करें और कमाएं, यह तरीका बिल्कुल नया है जो 1 जनवरी 2016 से ही लागू हुआ है। इसकी मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग करके भी कमाई कर सकते हैं, साथ ही हर प्रोडक्ट की खरीद पर आकर्षक छूट मिलेगी 100 अलग। सुनील छाबड़ा है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। 15/5/2015 को जुड़ा था जी चैमकैश से। अभी तक कितना अर्न किया आपने इसे? मैं करीब 50 से 60 हजार रुपया पर मंथ कमा रहा हूँ, और 3.5 से 4 लाख लोगों की मेरी टीम है। और मैं सल्यूट करता हूँ मिस्टर महेश वर्मा को, जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि मेरे जैसे इंसान की उम्र आज 48 से 50 साल के बीच में हो गई है, और मैं इस कॉन्सेप्ट को बड़े सलीके से कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। 50-60 हजार रुपये अर्न करना कोई छोटी बात नहीं होती। सैल्यूट है मिस्टर महेश वर्मा को, और सैल्यूट है इस सिस्टम को जिसने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया और मुझे 50-60 हजार रुपए, और अभी आने वाले वक्त में मैं कुछ और भी ज्यादा इनकम होने वाली है मुझे इससे, क्यों डे बाय डे मेरी टीम बढ़ती जा रही है ना। सो बड़ा अच्छा काम है, सिस्टमेटिकली अगर मैं कर सकता हूँ इस काम को तो मेरे ख्याल से आम इंसान इस पर बिना कोई पैसा लगाए हुए इतनी अर्निंग कर सकता है कि मैं जिसके बारे में आपको बता नहीं सकता है ना। बहुत लाजवाब सिस्टम है सर, और मेरे ख्याल से इससे इसके जैसा सिस्टम भारत के अंदर फ्री में बिना पैसे के कोई और इंसान नहीं दे सकता मिस्टर महेश वर्मा के। आई सैल्यूट यू मिस्टर महेश वर्मा। क्यों देती है चैमकैश पैसे?
यह एक जरूरी सवाल है जो आपके मन में भी आया होगा, तो चलिए इसी बारे में कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। असल में यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी ने कुछ ऐप्स के साथ समझौता किया होता है, क्योंकि बहुत सी ऐप बनाने वाली कंपनी को ग्राहक चाहिए होते हैं और ऐसे करने के लिए वो विज्ञापनों पर ढेरों रुपए खर्च करती है, और यह बिजनेस का ही एक हिस्सा है। ऐसे में चैम्पियंस एक ऐसी कंपनियां जो नए ग्राहक चाहती है उनसे टाई अप करती है और अपने प्लेटफॉर्म पर उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल के लिए लिस्ट करती है, और जब कोई चैम्पियंस इस्तेमाल करने वाला यूजर उन ऐप को डाउनलोड करता है तो उन ऐप की कंपनी चैम्पियंस को एक निश्चित रकम देती है, क्योंकि यूजर ने चैम्पियंस का इस्तेमाल करते हुए वो एप्लीकेशन डाउनलोड की है, और ऐसे में चैम्पियंस अपने मुनाफे के हिस्से को अपने पास रखते हुए उस राशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने यूजर में बांट देता है। तो इस तरह कंपनी जो अपनी ऐप चैम्पियंस के सहारे डाउनलोड करवाती है उन्हें नए ग्राहक मिलते हैं और चैम्पियंस को भी मुनाफा होता है, और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी कुछ निश्चित रकम कमीशन के तौर पर दी जाती है। चैम्पियंस को इस्तेमाल करते हुए किन बातों का रखें ध्यान। कोई भी ट्रिक या शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि तकनीक आपकी यह चोरी पकड़ लेती है और ऐसे में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप अपने दोनों नंबर पर चैम्पियंस करना ही चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों ही एक ही नेटवर्क पर ना हो, क्योंकि ऐसे में आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। वैसे अगर लालच के लिए ऐसा नहीं करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आप बस यही करें कि अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए रेफर करें और उन्हें प्रभावित तरीके से इस बात के लिए राजी करें कि बस सही से काम करें, और उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई में सही है। करनाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।